सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है, मैं आया हुआ हूँ हरिद्वार में। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ एमरल्ड रिवेरा में, जो एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है यहाँ पे, और बिल्कुल एकदम गंगा जी के किनारे पे है। ये पीछे गंगा जी रिवर है और बिल्कुल इसके किनारे पे है ये इधर सोसाइटी। तो पूरी ये सोसाइटी आज मैं आपको दिखाऊँगा, प्लस क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, कैसे आप यहाँ पर अपना फ्लैट अगर बुक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो अपना घर लेने की और चाहिए आपको हरिद्वार के आसपास और गंगा जी का किनारा हो, तो क्या कहने हैं उसके। तो सच में मज़ा ही आ जाएगा अगर ऐसी लोकेशन पे घर हो अपना। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे ही आप सोसाइटी के अंदर एंटर करोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा इनका नाम लिखा हुआ मिलेगा, एमरल्ड रिवेरा। और यहाँ से चलते हैं अभी हम आगे की तरफ। तो इधर की तरफ बिल्कुल ये गंगा जी का किनारा है, पहले उधर चल के देखते हैं उधर का कैसा सीन है। तो पहले ये गंगा जी के किनारे वाली लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये सामने इधर की तरफ सारे फ्लैट बने हुए हैं। तो इस सोसाइटी को ना हाइट बहुत ज़्यादा नहीं दी गई है, इसके जो आपको फ्लोर मिलेंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। पहले देखते हैं यहाँ पे एक आपको ये मिल जाता है 200 मीटर का ट्रैक, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो मॉर्निंग में गंगा जी के किनारे पे। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है, यहाँ पे मिलता है आपको पर्सनल घाट। तो ये वो एरिया है जहाँ पे बनाया गया है पर्सनल घाट, यहाँ पे गंगा जी के किनारे पे। और इधर से आप आराम से आके यहाँ पर स्नान कर सकते हो। सुबह सुबह का स्नान करने में यहाँ पर सच में एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। तो अभी चलते हैं फ्लैट के अंदर और अंदर से आपको दिखाता हूँ किस तरह से फ्लैट डिज़ाइन है और किस तरह का फ्लैट है यहाँ पे। बाहर से तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें दिखा दी, प्लस आपको सारी फैसिलिटीज़ भी बताता हूँ। वाओ, क्या लुक है। तो अभी मैं फ्लैट के अंदर हूँ, पहले गेट बंद कर दूँ। ये देखो स्विचेस जो दिए हैं इन्होंने, एकदम वो बिल्कुल पुराने स्टाइल्स के हैं यहाँ पे लगे हुए। फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है ये, आप देख सकते हो। 42 इंचीज का टीवी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इधर रखा हुआ। तो ये हो गया इधर लिविंग एरिया, और अगर हम इधर की तरफ चलते हैं तो ये है किचन एरिया। फुली इक्विप्ड किचन आपको यहाँ पे मिलता है, फ्रिज हो गया, इधर की तरफ नीचे ड्रॉर हो गए सामान रखने के लिए। और ऊपर भी आप यहाँ पे सारे में जो भी ग्रोसरी वगैरह के आइटम है वो रख सकते हो। और किचन से आपको मिलता है इसके रिवर व्यू भी सामने। तो इसमें सारे रूम्स में एसी है, लिविंग एरिया में भी आपको एसी मिल जाएगा, चार एसी मिलेंगे। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है 3 BHK। और अभी हम चलते हैं पहले इसके रूम्स की तरफ। तो ये इसका मैं आपको फर्स्ट रूम दिखा रहा हूँ, किंग साइज बेड आपको मिल रहा है यहाँ पर। और इधर आपको वर्किंग टेबल हो गया, इधर की तरफ हो गया है आपके अलमीरा, काफ़ी बड़ा वुडन अलमीरा, और पूरा बिल्कुल मतलब आपको दिखेगा कि ओल्ड स्टाइल में जैसे बना हुआ, बिल्कुल वही लुक इसको दिया गया है। इधर टीवी आ गया, और गेट के पीछे आपका आ गया ये इधर ड्रेसिंग मिरर, ये।
अगर हम इधर की तरफ देखते हैं तो ये इसमें अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा वॉशरूम आपको इसमें मिलेगा। तो अभी चलते हैं हम सेकंड रूम की तरफ, उसको भी देखते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी बड़ा बेड मिल जाता है, सेम कंसेप्ट है, साथ में आपको टेबल, काफ़ी बड़ा कवर्ड, इसमें टीवी, आपको ये सारा कुछ मिल जाता है। सेम उसी की तरह इधर की तरफ आपको ड्रेसिंग मिरर, और दोनों रूम ये आमने सामने है, प्लस इधर की तरफ आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम। और वॉशरूम का इंटीरियर देखें तो वाह, लाजवाब है। अब चलेंगे हम इसमें जो थर्ड रूम है, तो थर्ड रूम में भी काफ़ी बड़ा बेड, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, ये भी एसी के साथ है, तीनों रूम एसी के साथ हैं। टीवी मिल जाता है, ड्रेसिंग मिरर, सेम कंसेप्ट बिल्कुल, बट इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये, यहाँ से आपको रिवर व्यू मिलता है, सामने का पार्क व्यू। और एक और प्लस पॉइंट है इसका, आप इसको ना अगर ओपन करना चाहो, फ्रेश एयर लेना चाहते हो, तो ओपन भी कर सकते हो यहाँ से। तो अभी ये ओपन हो चुका है, और ये है कुछ इस तरह का सामने का व्यू। तो ये चीज़ इस रूम में मुझे बहुत बढ़िया लगी, अगर आप फ्रेश एयर लेना चाहते हो, मन आपका थोड़ी देर बाहर बैठने का या घूमने का, तो आप रूम से ही बाहर की फ्रेश एयर ले सकते हो। आप इसको बस ओपन करो और आराम से बाहर बैठ के एंजॉय कर सकते हो, प्लस रिवर व्यू है सामने, तो गंगा जी के दर्शन आपको यहाँ से लेटे लेटे भी हो सकते हैं। और इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, प्लस इसमें एक आपको अलग से अलमीरा मिलती है, इस यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए। इसमें आपको कवर्ड नहीं मिलेगा जो थर्ड रूम है, शुरू के दो रूम में आपको बड़ा कवर्ड मिलना है दोनों में, बट इसमें आपको यहाँ पे एक अलमीरा और कुछ इस तरह का डिज़ाइन वॉशरूम का आपको मिलता है। तो बताना कैसा लगा आपको ये फ्लैट, बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। अब बात करते हैं यहाँ के जो क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको जिम मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा। रेस्टोरेंट में क्या है, आपको हर रूम के अंदर एक इंटरकॉम मिलेगा, जिससे आप सिक्योरिटी और रेस्टो के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अपना फूड अगर आप अपने मतलब फ्लैट पे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। प्लस सिक्योरिटी यहाँ पे आपको मिल रही है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, सीसीटीवीज हो गए, इंडोर गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आप बैडमिंटन हो गया और टेबल टेनिस वगैरह ये हो गए, और प्लस यहाँ पे आपको इंडोर योगा आप कर सकते हो, मेडिटेशन के लिए भी आपको इंडोर यहाँ पे स्पेस मिलेगा, आउटडोर भी योगा आप कर सकते हो यहाँ पे, और आउटडोर गेम्स भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट नेट हो गया और वॉलीबॉल वगैरह ये सब गेम्स हो गए। पर्सनल घाट गंगा जी के किनारे पे वो मिल रहा है जो मैंने आपको दिखाया, और गंगा जी के किनारे पे वहीं पे आपको 200 मीटर का ट्रैक मिल रहा है, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, वो सारी उस सब के लिए। 24 आवर वाटर सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगी, 24 आवर पावर बैकअप आपको यहाँ पे मिलता है, और आपको मिलेगा यहाँ पे ओपन स्पेस में कॉफ़ी कैफेटेरिया, जहाँ पे आप बैठ के अपना कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। तो फ्लैट जो है यहाँ पे सारे फुल्ली फर्निश्ड आपको मिलते हैं, और बिल्कुल सेम डिज़ाइन में मिलेंगे, जैसे कि ये डिज़ाइन है, ये इंटीरियर है, सारे फ्लैट का सेम होगा। मतलब आप 1 BHK भी बुक कर सकते हो, आप 2 BHK भी यहाँ पे ले सकते हो, और 3 BHK भी, जो मैंने दिखाया है ये 3 BHK है। तो सेम बिल्कुल अंदर का जो इंटीरियर होगा वो 2 BHK और 1 BHK में भी आपको देखने को मिलेगा। 1 BHK फ्लैट आपको 600 स्क्वायर फुट में मिलेगा, और जो 2 BHK है वो मिलेगा आपको 900 स्क्वायर फुट एरिया में, और जो 3 BHK है वो फ्लैट मिलेगा आपको यहाँ पे 1500 स्क्वायर फुट एरिया में। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है प्राइस। सारी बातें हो गई, अब प्राइस क्या है फ्लैट्स के, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो मैं स्टार्टिंग प्राइस आपको बताऊंगा, बाकी आपको पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ मिल जाएगा, प्लस आपको स्क्रीन पे भी यहाँ के सारे कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ भी पता कर सकते हो। तो इनका जो प्राइस स्टार्ट होता है
फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट का प्राइस स्टार्ट होता है 35 लाख से। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई डिस्टेंस कितनी है हरिद्वार से, मेन सिटी से कितनी दूर है ये, तो ये पड़ेगा आपको 7 से 8 किलोमीटर, जो नजियाबाद हाईवे जाता है उस पर, और जगह का नाम है गाजी वाली। तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का जो गूगल मैप लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इन केस आपको सर्च करना है लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है तो वो आप उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपका भी मन है कि अपना घर होना चाहिए गंगा जी के किनारे पे, तो देर मत करो, बुक कर लो यहाँ पे। तो यहाँ के सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पे फ्लैट बुक करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और अगर आपका मन है इधर की तरफ फ्लैट बुक करने का तो वो भी आप कर लो बेधड़क, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।